दुनिया तमाशाई गजा में नस्ल कुशी जारी, मजीद 436 फलस्तीनी शहीद, 182 बच्चे और दर्जनों खवातीन शामिल। अल शाती कैंप पर रात गए इसराइली तैयारों की बमबारी, खान यूनिस में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद। अल फलोजा में 17 अफराद से जीने का हक छीना गया, दीर अल बलह में 10 अफराद मौत की आगोश में गए। बैतुल लाहिया और नौसारियत कैंप पर बमबारी से 14 अफराद जाँ बहक, शेख रिजवान इलाके में घर के बाहर बम गिरने से फलस्तीनी सहाफ़ी जाँ बहक, फलस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 20 हो गई। 3 मसाजिद पर भी इसराइली तैयारों की बमबारी, 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद मसाजिद की तादाद 31 हो गई। पुरअमन मगरबी किनारे में भी इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 95 हो गई। 15 बरस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फलस्तीनी मगरबी किनारे में शहीद हुए। शाम में एक ही दिन में 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। इसराइली अखबार का कहना है कि ईरान की हामी इराकी मलेशिया ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक और उर्दन बॉर्डर पर भी अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का लबनानी सरहद पर हमला, हिजबुल्ला के 4 कारकुन शहीद। जनूबी लबनान पर मिज़ाइलों से भी हमले, सरहदी कस्बा कफर किला और शिमाल में तल नहास के करीब अलहराज के इलाके निशाने बनाए गए। हिजबुल्ला का दावा है कि इसने शिबा फार्म्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के 5 ठिकानों पर गाइडेड मिज़ाइल से हमले किए हैं। दीगर 2 हमलों में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ी तबाह की गई। सारे यरगमाली छोड़ दें तब भी गजा को ईंधन की फराहमी नहीं होने देंगे, इसराइल की इज्तमाई सजा की पॉलिसी। इसराइली वजीर आजम के सीनियर मुशीर का कहना है ईंधन जाने दिया तो हमास इस जंग के लिए इस्तेमाल करेगा। ईंधन की किल्लत से इंक्यूबेटर में नौमौलूद और मजीद इंसानी जानें दाव पर लग गई। गजा का इंडोनेशिया अस्पताल बंद, गुज़श्ता रोज सिर्फ 20 मजीद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। CNN के मुताबिक जंग से पहले हर रोज 455 ट्रक गजा जाया करते थे। गजा पहुंचने वाला सामान यौमिया जरूरत का 4% भी नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है इसराइल फलस्तीनियों को इज्तमाई सजा दे रहा है जो जंगी जुर्म है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहाई दे दी। दोनों खवातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीमें इससे पहले माँ बेटी को भी रिहाई दे चुकी हैं। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वजीर आजम ने भी गजा के अस्पताल पर हमले में इसराइल को क्लीन चिट दे दी। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं इसराइल फलस्तीन तनाज़े को यकतरफा हल करने की कोशिशें सूरत हाल को बिगाड़ सकती हैं। इसराइल फलस्तीन कशीदगी में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। नॉर्वे की वजीर इंसाफ की गजा में इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत, कहा गजा में जंगी जराइम की मुमकिन तहकीकात में तहकीकात करेंगे। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि अमरीका सालसों के जरिए ईरान को पैगाम भेज रहा है कि किसी तरह इसराइल जंग को खित्ते में फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि इसराइली जंग का इंतजाम अमरीका संभाले हुए है, तहम फलस्तीनी मज़ाहमत ही इसराइल से जंग का नतीजा तय करेगी। गैस आए न आए, निगरा हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया। घरेलू कमर्शियल और सनती सारिफिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये सर बढ़ाकर 400 रुपये महाना कर दिए गए। इतलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये फी MMBTU बढ़ा दी गई। इक्तसादी राबता कमेटी का 10 लाख मेट्रिक टन गंदुम दरामद करने का भी फैसला। वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। ना स्पिनर चले, ना पेस अटैक काम आया, ना किस फील्डिंग और ड्रॉप कैचेस ने रही सही कसर पूरी कर दी। फातह टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अव्वलीन कामयाबी भी अपने नाम कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम जदरान ने 87 रन बनाए। रहमतुल्ला ने 77 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्ला की 50। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स टेबल पर। भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद।
फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। फील्डिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दी। कहा, भारत से शिकस्त के बाद टीम के मुसलसल दबाव में होने की खबरें दुरुस्त नहीं, बाकी मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। का किंग भाई, किंग किंग बोल बोल के उसका दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने, उसको हटाइए। कैप्टन अपने बंदे ला रहा है और ये जितनी भी टीम है सारी सिफारशी आई हुई है। पाकिस्तान ऐसे खेला है जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, मलिक की टीम खेल रही हो भाई, वर्ल्ड कप खेलेंगे हो। हार रहे हैं, हर किसी से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हर किसी जिससे खेल रहे हैं वैसे ही हार रहे हैं, रोजाना ही मैच हार रहे हैं। इनको बोले कि वापस आ जाए। बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम वीकनेस बनी हुई है। बॉलिंग बिल्कुल ऐसी चल रही है, टेप बॉल से भी बदतर। टीम बिल्कुल बेकार जो है, परफॉर्मेंस बेकार। स्पिनर इनके पास कोई था नहीं, जो स्पिनर जो इनको लेके गए अपना अबरार को, उसको रिजर्व में बिठा दिया इन्होंने। मैं तो इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहता, ये तो क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं थी। बॉलर्स बॉलिंग, बैटर्स बैटिंग और फील्डर्स फील्डिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस फट पड़े। बाबर 11 को आड़े हाथों ले लिया, कहा टीम जीतने के लिए मैदान में उतरी है ही उतरी ही नहीं। नसीम की गैर मौजूदगी से फास्ट बॉलिंग खोखली नजर आई। किसी ने टीम में तब्दीलियों तो किसी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दे दिया। चेन्नई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भी टीम की कारकर्दगी से मायूस। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रह गई। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रखे खड़ा है। दिल टूट गया। नो वर्ड्स, आई कांट। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्तों में कहा गया कि एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुलजमान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलदम करार दी गई। पिटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर नहीं हुए। मुल्क के बदतर मौशी हालात देकर वापस आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। जाती रिहायशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस भी तैनात। जामे कराची HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की मिली लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट ये कहती है कि तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिर गया था। गिरने से तालिब इल्म को सर पर चोट आई जो मौत का सबब बनी। मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं है। अहलखाना लाश को अस्पताल से लेकर स्वात रवाना। लाहौर में शादरा डोगर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, दो अफरा फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जख्मी। फैसलाबाद में आइस का नशा करने की वीडियो सामने आने पर पुलिस अहलकार मुअत्तल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वीडियो में कांस्टेबल को एक शख्स के साथ मिलकर नशा करते देखा जा सकता है। अहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा पड़ांग में पेस्को अहलकार पर तशद्दुद। पेस्को टीम गांव में बकाया जात वसूल करने गई थी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मुलजिम ने अहलकार को थप्पड़ मारे, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके इन्हें साइफर दिया जिसे इन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुलजमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत मुलजिम ठहराए गए हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने इल्जाम को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। PTI का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एक फ्रेज है अंग्रेजी में,
कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस. तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है. हमने तो पार्लियामेंट का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था. रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे. वाह जी वाह. इलेक्शन में ताखीर इलेक्शन से इनकार है. इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे. तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए. बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालिबा. सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा हमें गैर जमहूरी कुवतों को दिखाना था. जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं. हमें तो पार्लियामान और आवाम का एतमाद बहाल करना था. रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे. जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं मगर अपने एहतसाब के नहीं. 2009 में अवामी दबाव पर रद्दिया की बहाली से जजेस के तकबर में इजाफा हुआ. 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और रद्दिया ने वाज़ह जानिबदारी का मुजाहरा किया. 2018 के इलेक्शन में भी रद्दिया के फेवरेट्स बहुत वाज़ह थे. तीस फीसद पाकिस्तानियों ने मुल्की मौशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली. 22% ने पीटीआई चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा. 30% मायूस, कहा मौशी बहरान का मसला कोई हल नहीं कर सकता. गैलप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया. नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी. 80% ने तकरीर की तारीफ की. 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया. जबकि 51% ने नून लीग के आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा. 70% मफाहमत के भी हामी नजर आए. मुल्की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया. सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया. अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया. एक सियासी जमात के कायदीन पर मुकदमा, दूसरी को सियासी सरगर्मियों की आज़ादी. सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब का सदर मुमलिकत को खत, कहा जबरी गुमशुदगियों को सियासी हरबे और सियासी कायदीन और कारकुनान से जबरी बयानात के लिए इस्तेमाल किया गया. कहा विफाक की सबसे बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान तक को हथियाने की कोशिश जारी है. बड़ी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की मुकम्मल अदम दस्तियाबी की निशानदही कर चुकी हैं. ये इकदाम एक बड़ी आबादी को उनके वोट के हक से महरूम करने के मुतरादिफ है. फौरी नोटिस ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुतनाज़े फैसला है. मामला फुल बेंच की तरफ जाएगा. राणा सनाउल्लाह के अदालती फैसले पर रद्दमल. पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं. तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अमान बोली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का अदम करार देना वक्त की जरूरत के मुनाफी है. फैसले से 9 मई वाकये के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा. तलबा पर फर्ज है कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल तलाश करें. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन से खिताब. आर्मी चीफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल से नवाजा. कहा तालीम कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है. लबनान की सियासी तज्जिया निगार सारा अल याफी ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को फलस्तीनियों के अपने रॉकेट का नतीजा करार देने के इसराइली और आलमी कुव्वतों के मौकफ को के बखिया उखेड़ दिए. जामे तहकीक और शवाहिद के साथ किए गए तज्जिये से इसराइल के झूठ और गलत बयानी को दुनिया के सामने साबित कर दिया. आज तो बड़े धमाकों की आवाज़ें जरूर सुनी गई हैं. इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैरमामूली परवाजें हुई हैं. खान यूनुस में कुछ मखसूस से मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहां पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है. यहां पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बम गिरा था. मतलब यहां की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस. जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी. लबनान इसराइल बॉर्डर पर दो बड़े धमाके सुने गए. हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें. गजा के इलाके खान यूनिस में मकदूश मकानात पर इसराइली बमबारी. शहादतों का खदशा. गजा पर इसराइली हमलों से अवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद.
बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गईं। हादसे में कम से कम 17 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। पटरी से उतरने वाली दो बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्जाम में अमरीकी पायलट गिरफ्तार। ऑफ ड्यूटी पायलट पर इकदाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्जाम आयद। अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवाज को गिराने की कोशिश की। ऑफ ड्यूटी पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। दौरान परवाज खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी एयरलाइन की परवाज 80 मुसाफिरों को लेकर वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बहुत दुख हुआ, ऐसा लग रहा था अब्दुल्ला शफीक को खेलना नहीं आता। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रजाक ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ 350 टारगेट बनना चाहिए था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि नहीं पता कल क्या होगा, विकेट देखकर जब इरादा तब्दील नहीं कर रहे तो ये होगा। इमाद वसीम ने कहा कि अफगानिस्तान ने दिखाया दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच के बारे में जानिए रजाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ेकार से फ्रॉड का इम्कान खत्म हो गया। सार्फीन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर वन रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल्स का भी इजाफा हो चुका।